एंटरटेनमेंट का भी ना दे। सो हेलो एवरीवन, आई एम कशिश। मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट माय कॉलेज एंड व्हाई डिड आई ऑफर बीडीएस। सो हियर वी गो। आई एम करेंटली इन चंडीगढ़, डॉक्टर हरवंत सिंह जैन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आई नो ये सबका हार्ड टाइम चल रहा है, मेरा भी था। कुछ लोगों के बॉर्डर पे मार्क्स होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि अभी MBBS ले या दोबारा से ड्रॉप लें, मिलेगा MBBS में एडमिशन नहीं मिलेगा, BDS लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो जब मेरा मैंने नीट दिया था, मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया था जब मैंने BDS में एडमिशन लिया था। सो बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, क्योंकि एज पर इंडियन मेंटालिटी हर कोई हमें ये बोलता है कि BDS एक अच्छा कोर्स नहीं है, BDS नहीं लेना चाहिए, दे आर नॉट डॉक्टर्स एंड ऑल एंड ऑल। बट मैंने अपने टाइम पे नीट देने के बाद जब रिजल्ट आया, मेरे को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। मैंने बहुत लोगों से एडवाइस ली थी, मैंने अपनी कजिन से एडवाइस ली थी, शी इज़ करेंटली इन दिल्ली डूइंग MD। उन्होंने भी मुझे बताया था BDS कोई बहुत बुरा कोर्स नहीं है, इवन बहुत अच्छा कोर्स है, डेंटिस्ट आर ऑल्सो डॉक्टर्स। आई डोंट नो, ये जस्ट इंडियन सोसाइटी है, लोगों की मैंटेलिटी है जो कि इक्वल नहीं मान सकते हैं। एंड कुछ लोगों की फैमिलीज में अभी भी बहुत ज़्यादा वो रहे होंगे कि किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि BDS लेनी या नहीं लेनी, किसी कोई बच्चा नहीं एग्री करता है कि भाई लें या नहीं लें, क्योंकि सबको लगता है कि कोई स्कोप नहीं होता है, सबको चाहिए कि MBBS करना है। मुझे भी था कि मुझे MBBS करनी है, हर कोई जब नीट की तैयारी शुरू करता है तो वो यही सोचे रहता है कि MBBS ही करनी है, कोई नहीं सोचता डेंटिस्ट बनना है, BMS करनी है, कोई नहीं सोचता। बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट। मैंने भी करी, जब मैं BDS में आई थी मुझे भी लगता था कि मैं शायद एक और बार एक और ट्राई दे सकती हूँ, मैं एक और बार नीट दे के देखती हूँ क्या पता मेरा MBBS होता है। बट आई जस्ट डोंट गेट इट, जब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मे बी मैं नहीं कर सकती। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मैंने गिव अप कर दिया था किसी चीज़ पे या मैं करना नहीं चाहती थी, इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को टाइम लेके एग्री करना चाहिए कि हाँ आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सबको अपने पोटेंशियल पता होता है, कुछ लोग अपने सिर्फ थॉट्स में रहना चाहते हैं कि हाँ वो कर लेंगे और नहीं हो पाता है, पेरेंट्स के पैसे वेस्ट होते हैं, सब चीज़ होती है। जब मैंने 3-2 ड्रॉप लिए थे, थर्ड अटैम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे ऐसा पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लग गया था। मेरे पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ना मत लो ड्रॉप या लो, बट द पॉइंट इज जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया मुझे समझ आया कि अगर मेरा अब भी नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इतना सा प्रेशर नहीं ले पा रही, तो क्या मैं आगे के 5 साल MBBS के प्रेशर झेल पाती। ऐसा नहीं है कि BDS में प्रेशर नहीं होता है, BDS में भी उतना ही प्रेशर होता है, 3 साल वही MBBS वाली बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, साथ के साथ डेंटल की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो मेरी अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई थी, जिनने इस बार भी नीट दिया है पर अभी भी उनका क्रैक नहीं हो पाया है, कोई बॉर्डर लाइन पर अटक गया है, तो किसी के उतने भी नहीं बने जितने पिछली बार बने थे। एंड जो लोग 10-10 अटैम्प्ट दे के नीट क्रैक करते हैं वो खुद भी एक पॉइंट पे जाके सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनकी पूरी एज निकल जाती है। तुम एक बार खुद सोचो, यू आर 20 एंड यू हैव टू लाइक वर्क हार्ड फॉर रेस्ट ऑफ योर 8 ईयर्स उसके, और ज़रूरी नहीं है कि तुम PG फर्स्ट अटैम्प में क्रैक कर लोगे, उसके लिए अलग ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और लोगों से ये एक्सेप्ट नहीं होता है कि MBBS के अलावा भी एक कोई कुछ हो सकता है, नहीं होता है। और जिस दिन लोगों से एक्सेप्ट होने लग गया, इतना बड़ा कोई क्योस ही नहीं बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ लड़कों का तो फिर भी समझ आ जाता है कि एज निकली जा रही है, घर वाले एक बार के लिए एग्री कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बट द बिग प्रॉब्लम इज फॉर गर्ल्स, कुछ लोगों की फैमिली नहीं मानती, कुछ नहीं आई गेस बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनकी एज निकली जा रही है, वो MBBS के बीच में ही उनको फोर्स किया जाता है मैरिज। स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने थे, उन्हें भी लगता था कि MBBS में ही एडमिशन होना चाहिए था, BDS में क्यों ले लिया, एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे भी समझ आया था, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं कितने ही और ज़्यादा पैसे खर्च करवाती, और सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, कोई हमें नहीं बोलेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बोलते, लेकिन हमें ये चीज़ें खुद समझ नहीं आती है, हमारे खुद के कंधों पे इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है। वहीं लड़के वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उन पर तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जब जब लड़कों का तो ऐसा है कि वो घर पर बैठे रहते हैं, थोड़े टाइम में घर वालों की आँखों में चुभने लगते हैं, तो एक चीज़ होती है यार, थोड़ा एज होती है वो मैटर करनी चाहिए, तुम्हारा 20-21 तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए भले ही तुम फिर कुछ भी कर लो, एंड अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आगे के लिए, शुरू में तो हमें पता नहीं चलता है बट आगे बहुत ज़्यादा फील होता है। सो तुम किसी एजुकेटेड इंसान से जाकर पूछोगे ना कि डेंटिस्ट कौन होते हैं, बताएंगे, और कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं बोलता कि BDS गंदी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन वो लोग ज़रूर बोलते हैं जिन्होंने खुद में कुछ नहीं उठाड़ा होता अपनी ज़िंदगी में, बोल देते हैं कि BDS नहीं करनी चाहिए। सो
माय पॉइंट इज, जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर 600 की लाइन में 590, गाइस यू कैन ऑफर BDS 2. BDS लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है, नीट का पेपर दिया है, जिसमें से सिर्फ 22,000 का एडमिशन होना, सो यू कैन सी द रेशियो कि कितनों का एडमिशन होता है, कितना होता है. सो जस्ट गो फॉर इट. ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ ताकि उन्हें भी समझ में आए कि BDS 2 बुरा कोर्स नहीं होता है. यू कैन टेक एडमिशन कि तुम्हारे पास बैकअप रहे. एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, BDS इज एक्चुअली फाइन. ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं होता है, हम MBBS कर लेते हैं. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, मेरे पेरेंट्स आर हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी. सो या आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल कि तुम लोग कर सकते हो ऐसा. सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें पूछना है. तुम्हें मोटिवेट होना है, तुम्हें और कुछ पूछना है BDS के बारे में, अबाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, फर्स्ट ईयर का कोर्स क्या होता है, बुक्स क्या होती हैं, एडमिशन प्रोसीजर, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू सून इन माय वीडियोस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज अदर देन दिस, यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट टू. सो या डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू.